Welcome you all in our this section. Today our topic is chapter 9, rational numbers. ये बच्चों irrational number शुरू होने से पहले आपको मैं कुछ previous knowledge जो आपको जानकारी के लिए बहुत जरूरी है number के accordingly आपको कितना knowledge है वो पहले आपको बताना जरूरी है उसके बाद हम जाएंगे rational number क्या है। तो बच्चों first हमारे जो number आता है जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट काउंट करने के लिए यूज़ कर रहे हो जैसे आपके पास 5 पेन होगा 3 पेन होगा तो आप कैसे काउंट करोगे 1, 2, 3। सो दिस लाइक दिस काउंटिंग जो नंबर होता है द नंबर्स दैट वी यूज टू काउंट ऑब्जेक्ट आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर शुरू होता है बच्चों वो है नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स। सो काउंटिंग नंबर्स आप कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों 1 से। तो 1 से लेकर आप जितने अपने पॉजिटिव साइड में जाओगे अपने राइट साइड में जाओगे ऑल आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल। आप जितने भी आपके राइट साइड में जाते रहोगे जितनी भी संख्या की आपके ग्रेटर वैल्यू बढ़ती जाएगा ऑल आर नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट आपका आ रहा है नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स। देन बच्चों आपका आता है होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर में बच्चों क्या होता है अब जीरो जीरो एक एक्स्ट्रा आ जाता है किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ। नेचुरल नंबर के साथ आप एक जीरो लगा दोगे तो वो बन जाएगा बच्चों होल नंबर। यानी होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से। जीरो से आप जितने भी अपनी राइट साइड में जाते रहोगे उतनी आपका वैल्यू जो है बढ़ते जाएगा दैट इज द होल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर में 1 से शुरू हो रहा है और होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है। यानी ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ओके नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है बच्चों? इंटीजर्स में ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। इसके मतलब क्या है? पॉजिटिव नंबर बोलने से बच्चों जैसे आप सिंपली लिखते हो 1, 2, 3, 4 दीज ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स और इसके सामने आप अगर माइनस डाल दोगे तो ये क्या बन जाता है? नेगेटिव नंबर्स। तो आपको अगर नंबर लाइन याद है तो नंबर लाइन देखिए कैसे होता है। आप किस तरह दोनों एरो मार्क डालिए दोनों साइड में बीच में जीरो डालिए और आपके राइट साइड में जो है वो होगा पॉजिटिव नंबर्स एंड आपके लेफ्ट साइड में जो होगा वो होगा बच्चों नेगेटिव नंबर्स। सो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इंटीजर्स रैशनल नंबर से रिलेटेड है। ये हम जब आपको रैशनल नंबर के डेफिनेशन बताएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटीजर्स की नॉलेज होना आपके लिए कितना जरूरी है। ओके बच्चों नेक्स्ट आता है फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर से रिलेटेड है। जैसे कि देखिए बच्चों फ्रैक्शन आपने क्लास 6 में थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके होंगे थोड़ा नॉलेज आपको होगा। आप देखिए क्या होता है फ्रैक्शन? द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी इज द न्यूमरेटर एंड क्यू इज द डिनोमिनेटर। कोई भी संख्या को जिसको हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में बच्चों पी एंड क्यू क्या है? पी है न्यूमरेटर एंड क्यू है इसके डिनोमिनेटर। और ये जो पी एंड क्यू होगा बच्चों ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए एग्जाम्पल 1/2, 5/11, 0/1 ऑल्सो ए फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर में इसके बाद जब मैं रैशनल नंबर का डेफिनेशन बताऊंगी तब आपको रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में दोनों में क्या डिफरेंस है आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो बच्चों ये जो नंबर्स आपको मैंने अभी सिखाया है मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताए हैं तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम आएंगे रैशनल नंबर में। सो स्टूडेंट्स अब हम आएंगे रैशनल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर? देखिए हमने यहाँ पे आपके रैशनल नंबर का डेफिनेशन दिया है द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to zero, are called rational numbers. बच्चों डेफिनेशन अच्छा से पढ़िए इसमें जो है आप पढ़ने से आपको उसकी मीनिंग आधा ही आपको समझ में आ जाएगा। द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। अभी आप बोलेंगे मैम फ्रैक्शन भी ऐसे ही था द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। यस
बट उसके बाद देखिए क्या लिखा है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इसके मतलब क्या है बच्चों, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता नेगेटिव भी हो सकता है, बट फ्रैक्शन में क्या था, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे इंटीजर्स है, तो p and q are integers and second आपका कंडीशन देखिए बच्चों क्या है, q not equal to zero, q कभी भी zero नहीं होगा, यानी denominator, denominator कभी भी zero नहीं होगा, अगर वो zero हो गया then that is not a rational number, so यहाँ पे आपने example देख लिया है, यहाँ पे जो example है देखिए -1/5, 2/-11, -12/11, तो this type of all numbers are rational number. तो बच्चों आप रैशनल नंबर आप जब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ध्यान से करोगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे हमें जो डेफिनेशन दिया गया है उसी का हिसाब से आप रैशनल नंबर लिखना है, इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करना है। अब देखिए एवरी इंटीजर, रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ बातें आपको जानना जरूरी है, जैसे कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, बट ए रैशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इंटीजर, यानी कोई भी इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है। कैसे देखिए, -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1/1, एक देखिए -1/1, यानी नीचे जो 1 रहता है ये हम कभी भी शो नहीं करते, बट इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहाँ पर हम जो -1/1 लिख चुके हैं ये अब क्या, कौन सा फॉर्म में आ गया बच्चों, p/q के फॉर्म में, एंड p एंड q आर इंटीजर्स, तो आपका रैशनल नंबर के साथ में देखिए इसका जो इसका फॉर्म है वो रिलेट करता है कि नहीं बच्चों, देखिए अब देखिए 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/1, तो ये भी आपका रैशनल नंबर हो रहा है। 0 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1, तो आप कोई भी इंटीजर्स को रैशनल नंबर्स बोल सकते हो। कैसे, किसी तरह आप अगर डिनोमिनेटर में 1 डाल दो तो वो एवरी इंटीजर बिकम ए रैशनल नंबर, बट रैशनल नंबर इंटीजर होगा कि नहीं, कभी भी हमेशा नहीं होगा, कोई केस में आपको रैशनल नंबर इंटीजर होगा और कभी नहीं भी होगा, तो ऑलवेज वी कांट से कि रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। सेकंड पॉइंट आपको देखिए क्या है, डेसिमल्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। डेसिमल बच्चों, डेसिमल आपने पढ़े हैं क्लास 6 में था आपका डेसिमल, तो डेसिमल्स आर आल्सो रैशनल नंबर। कैसे देखिए, 1.2 एक डेसिमल है, इसको हम लोग अगर डेसिमल को डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, इसको 10 से इंटू करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो गया 12/10, तो ये देखिए ये p/q का फॉर्म में आ गया, तो एक डेसिमल भी रैशनल नंबर बन सकता है। एक और एक सेकंड एग्जांपल देखिए, 3.25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 325/100, तो ये भी एक रैशनल नंबर बन चुका है। सो कंक्लूजन क्या आ रहा है बच्चों, कि डेसिमल्स आर आल्सो रैशनल नंबर। अब बच्चों आप सोचेंगे रैशनल नंबर पढ़ के क्या होगा, रैशनल नंबर कहाँ पे यूज है बच्चों, कहीं कोई फील्ड जहाँ पर हम रैशनल नंबर यूज करके उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि समुंदर के नीचे जो कोई भी आपका डेप्थ या कोई भी चीजें आइडेंटिफाई करना है कि कितना नीचे है, तो हम लोग उस टाइम क्या करते हैं, समुंदर के ऊपर का जो लेवल होता है जैसे कि 800 मीटर अबव सी लेवल, उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं रैशनल नंबर में, 4/5 meter, और नीचे में समुद्र के नीचे सी लेवल का नीचे का जो मेजरमेंट है उसे हम लोग कैसे बच्चों उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे 800 मीटर बिलो सी लेवल इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, -4/5 किलोमीटर बिलो सी लेवल, यानी प्लस जो है +4/5 किलोमीटर वो क्या हो गया बच्चों, अबव सी लेवल, एंड -4/5 किलोमीटर बिलो सी लेवल, तो ये एक एग्जांपल है जहाँ हम लोग रैशनल नंबर यूज कर सकते हैं। सो बच्चों इस अभी ये जो हमने आपको रैशनल नंबर शुरू किया है, रैशनल नंबर की जो इंट्रोडक्शन दिया है, देन इसके बाद रैशनल नंबर का डेफिनेशन आपको बताया है, रैशनल नंबर कहाँ पर यूज होता है, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, ये सब आपके क्लियर हो चुका है। ओके, इसके बाद आते हैं हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में भी नेगेटिव है पॉजिटिव है, जैसे कि देखिए नेगेटिव रैशनल नंबर कैसे होता है, -1/2, -11/3, लाइकवाइज आप ऐसे लिखते जाओगे तो दीज ऑल आर कॉल्ड नेगेटिव रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर में भी नंबर लाइन होता है, जैसे कि इंटीजर्स में होता है रैशनल नंबर में भी नंबर लाइन होगा, इसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि रैशनल नंबर भी आपकी जो नंबर लाइन में उसमें हम कैसे इंडिकेट करेंगे। तो दीज आर ऑल
नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ओके बच्चों, देन आता है आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर आपको पॉजिटिव बोलने से आपको सोचेंगे कि हाँ 7/9 जो मैंने लिखा है ये पॉजिटिव है, 13/4 ये भी पॉजिटिव है, बट मैंने ये जो लिखा है -10/-5, कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा या सोचेंगे मैम ये क्यों लिखी है, ये तो नेगेटिव है, सामने तो नेगेटिव साइन है। बट नो बच्चों, जब भी इस तरह दो नेगेटिव होता है आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। That's why अगर -10/-5 मैंने पॉजिटिव बोल रही तो ये 100% सच है और प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे देखिए -10 और -5 इसको मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ, तो बच्चों क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसको हम अगर -1/-1 से डिवाइड करेंगे या इंटू करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10/5 हुआ, तो ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ ना, ओके। इसके बाद देखिए जीरो रैशनल नंबर। जीरो रैशनल नंबर भी क्या होता है, जीरो रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर ऊपर में जीरो होगा और नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, बट 0/1, 0/-11 इस तरह अगर न्यूमरेटर ऊपर में जीरो होगा तो उसको हम बोलेंगे जीरो रैशनल नंबर, ओके बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये आपका ये जो बातें अभी बता रही हूँ आपको, ये अच्छा से समझिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके आगे जो एक्सरसाइज आने वाला है उसमें आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे आप उसको इक्विवेलेंट ट्रांसफर करेंगे वो आपको मैं सिखाऊंगी। तो पहले आप देख लीजिए इक्विवेलेंट ट्रांसफर जो रैशनल नंबर है वो क्या कैसे होता है। देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर By the same integers। देखा बच्चों अपने डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको 50% बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे इसको ला सकते हैं, अगर कोई भी आपको एक रैशनल नंबर दे दिया, आपको कहा गया कि इसको आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कीजिए, तो बच्चों उसकी आप दो प्रोसेस है, या तो आप उसको मल्टीप्लाई करिए या तो आप उसको डिवाइड करिए, बट With the same integers, जो कि numerator को भी आप उसी integer से multiply करोगे और उसी integer से denominator को भी multiply करोगे। देखिए मैंने यहाँ पे दो example रखे हैं, -3/5, इसको हम equivalent rational number में करेंगे। तो first हमने multiply करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए -3/5 को हमने क्या से इंटू किया, ऊपर में भी देखिए 2 से इंटू किया, नीचे में भी 2 से इंटू की है, तो अब ये क्या आ गया 3 × -6, 5 × 10। अब इक्विवेलेंट कैसे हुआ बच्चों, आप सोच रहे हैं कि मैम तो इसको 2 इनटू करके इसको तो बढ़ा दिया है, ये इक्विवेलेंट कैसे हुआ। देखिए बच्चों आप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अगर आप इसके फैक्टर अप करोगे तो इसका फैक्टर 6 का फैक्टर क्या क्या आता है बच्चों, 3 और 2 आता है। तो देखिए यहाँ पे 3 आ गया, 10 का फैक्टर क्या आता है 5 और 2, ये देखिए यहाँ पे 5 हो गया, जो आपका ओरिजिनल जो नंबर है उसके साथ में सिमिलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो लाइक वाइज आप यहाँ पे 2 के जगह में 3, यहाँ पर भी 3 रख सकते, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 रख सकते। तो मेन बात ये है कि जब भी आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर करोगे तो सेम नंबर से ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम इंटीजर से इंटू करोगे, तो आपका ये जितना भी करते जाओगे वो अलग क्या होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये तो हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। लाइक वाइज आप डिविजन करके भी उसको इक्विवेलेंट नंबर कर सकते हो, जैसे कि देखिए बच्चों -16/24 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, बट नाउ विल डिवाइड बाय 4। हम लोग ऊपर में देखिए न्यूमरेटर को भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ओके। अब देखिए डिवाइड करने से क्या आ रहा है -4, इसको डिवाइड करने से क्या आ रहा है 6 आ रहा है, बट ये देखिए इसका इसका वैल्यू बच्चों एकदम सेम होगा, क्योंकि 16 का जो फैक्टर्स है वो क्या क्या आता है आपको 4, 2, तो यहाँ पे देखिए 4 आ गया, 24 का क्या आ रहा है 4, 6, 2, यहाँ पर क्या आ गया आपका 6 आ गया। देखिए ये जो -4/6 इसका भी फिर से हम लोग इक्विवेलेंट कर सकते हैं,
कैसे देखिए, 4 को हम लोग किससे डिवाइड किया, 2 से। लाइकवाइज 6 को भी कितना से डिवाइड किया, 2 से। डिवाइड करने से यहाँ पर कितना आ गया, -2, और यहाँ पर कितना आ गया, 3। तो ये जो -2/3 है, -4/6 है, -16/24 है, all these are equivalent rational number। तो बच्चों इसी तरह आपको अगर equivalent करने के टाइम आपको into अगर easy लगे तो आप into करिए, और आपका अगर divide easy लगे तो आप divide करिए, कोई भी आप लोग करिए, but same number से। ध्यान यही रखना है कि जो भी नंबर आप यूज कर रहे हो, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, बट आपको ध्यान ये रखना होगा कि सेम इंटीजर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से करिए, तब जाके आपका रैशनल नंबर परफेक्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में ट्रांसफर होगा। सो बच्चों नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। कभी कभी आपको पूछा जाएगा राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कभी आपको पूछा जाएगा या आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें दिया जाएगा चेंज द रैशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बोथ आर द सेम थिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, तो दोनों चीजें एक ही बात है। तो ये क्या है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म एंड सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या चीज, देखिए ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखिए बच्चों क्या बोल रहे मैं कि एक रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर होगा, एंड नेक्स्ट है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो 1 का सेवा और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो जब तक हम दूसरे कोई संख्या से डिवाइड कर सकते तब तक हम इसे वो प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना। जब आप देखोगे बस ओनली एक संख्या रह गया जिसके बाद हम उस संख्या को और कोई भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते, एंड 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तब हम समझ जाएंगे कि अब हमारा जो रैशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, उसके बाद आप वहां पर स्टॉप हो जाएंगे। जैसे कि देखिए 7/5 जो हम डेफिनेशन बताए हैं उसके हिसाब से आप इसको अगर मैच करोगे तो देखो फर्स्ट है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना जरूरी है ना बच्चों, पॉजिटिव, यस पॉजिटिव है। नेक्स्ट है बच्चों कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो आप यहां पर देखिए 7 और 5 का 1 के सिवा और कोई फैक्टर होगा, नो नहीं होगा, तो ये जो है 7/5 जो है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है। नेक्स्ट देखिए -2/9, अब 9 देखिए जो है वो आपका किस फॉर्म में है, पॉजिटिव इंटीजर है। देन आप देखिए 2/9 जो है उसके जो फैक्टर है सिर्फ 1 ही है उसका कॉमन फैक्टर। अब एक संख्या मैं अभी बता रही हूँ आपको, जैसे देखिए 12/20, बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि देखिए 12 का फैक्टर क्या क्या होता है आप लोगों को पता है, 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 फर्स्ट होता है 1 फर्स्ट, हम लोग कोई भी संख्या का कॉमन फैक्टर या फैक्टर जो होता है वो 1 आएगा, 1, then क्या आता है 2, then 3, then 4, then 6 and the number itself. तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 6, 12, and 20 का फैक्टर first 1, then 2, then 4, then 5 and the number itself. अब देखिए इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है जिसको हम लोग ये दोनों संख्या से डिवाइड कर सकते, फर्स्ट तो 2 आ रहे हैं, पर 2 इज द स्मॉलेस्ट, उससे भी अगर कोई बड़ा संख्या है जो दोनों में कॉमन फैक्टर है वो है 4, तो हम बच्चों इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 12 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, 20 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 से 12 को डिवाइड करने से 3 एंड 4 को 20 से डिवाइड करने से 5 3/5। अब देखिए 3 एंड 5 को और कोई ऐसा संख्या है जिससे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते, नो ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर एंड अदर देन 1 देयर इज नो कॉमन फैक्टर दैट कैन बी डिवाइड दिस टू नंबर्स,
So 3/5 is the standard form or simplest form. तो हम लोग इससे हमें दो चीजें समझ में आ रहा है क्या एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. हर रैशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. सेकेंड पॉइंट क्या आ रहा है, अब जब भी द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए रैशनल नंबर इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज वेरी यूजफुल टू चेक वेदर इट इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट. तो बच्चों आप जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हो तो फर्स्ट आप अपने जो नॉलेज है उसको कहाँ पे डालोगे, क्या सम देखोगे कि वो जो संख्या है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, उसके बाद आप स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको चेंज करोगे. तो ये दो बातें आप ध्यान रखना. एक है कि एवरी रैशनल नंबर को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में. सेकेंड पॉइंट है आप जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई संख्या को रैशनल नंबर को आप एक्सप्रेस करना चाहोगे तो फर्स्ट आप देखोगे कि वो जो संख्या है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है या नहीं. ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके बच्चों, तो रैशनल नंबर आप जो एक्सरसाइज है उसकी इंट्रोडक्शन, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, देन रैशनल नंबर के बारे में छोटी छोटी जो बातें हैं मैंने आपको बता चुकी हूँ और शायद आप नोट डाउन भी कर चुके हो. नाउ हम आते हैं एक्सरसाइज 9.1. एक्सरसाइज 9.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों क्या है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, आपकी चार जो है आपकी प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, ये दो दो जो संख्या है इसके बीच में चार और भी रैशन, पांच और भी रैशन नंबर हमें देना है. बच्चों एक बात आप ध्यान रखो, कोई भी रैशन नंबर, कोई भी दो रैशन नंबर के बीच में इनफिनिटिवली अनगिनत रैशन नंबर होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी जो आप हाँ काउंट भी नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल जो अनगिनत है. इसी तरह जो दो रैशन नंबर होते हैं उनके बीच जो अनगिनत रैशन नंबर होते हैं, तो हमें बस उस अनगिनत रैशनल नंबर में से पांच रैशनल नंबर ज्ञात करना है. तो बहुत इजी है. तो आप देखिए कैसे करना है. फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है -1 and 0. अब बच्चों आप सोचेंगे -1 and 0 रैशनल नंबर कैसे हुआ. यस बच्चों, हमने आपको बताया था कि ये जो ये देखिए -1 क्या है, एक इंटीजर है, 0 क्या है, इंटीजर है. बट -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1/1 तो हुआ ना आपका रैशनल नंबर. देन 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0/1, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ कि नहीं, यस हो गया. तो आप देखिए -1 और 0 के बीच में हमें पांच रैशनल नंबर ढूंढना है. तो आप क्या करना है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर ऑलवेज बी द सेम. जो दो संख्या दिया होगा उसका डिनोमिनेटर आप पहले सेम करिए, वरना आपको कभी भी रैशनल नंबर ढूंढ के नहीं मिलेगा. अगर अलग अलग डिनोमिनेटर होगा तो आप नहीं बता सकते कि इसके बीच में कितना रैशनल नंबर होगा. तो आपका फर्स्ट काम होगा क्या, रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को पहले आप सेम करो. तो इसमें आप देखिए तो इजी हो गया क्योंकि -1/1 है, इसको हमने 6 से इंटू किया, आप न्यूमिनेटर को भी 6 है, डिनोमिनेटर को भी 6 है, तो ये क्या आ गया -6/6. तो यहाँ पर भी आप देखिए हमने कहा था डिनोमिनेटर क्या करना सेम. आप इसको भी देखिए 0/1 को हमने क्या किया, 1 को 6 से इंटू किया, तो ये भी क्या हो गया डिनोमिनेटर 6. तो हुआ ना बच्चों देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया. उसके बाद 0 × 6 क्या होता है बच्चों, 0 होता है. ओके आप देखिए -6/6 and 0/6 इसके बीच में आपको कितना, पांच रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है. तो बच्चों आप देखिए रैशनल नंबर को भी आप क्या करना, जो नंबर लाइन होता है उसमें आप शो कर सकते हो. तो आपको पता है कि 0 का लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव नंबर, राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर. तो बस हमें यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे किस तरह का संख्या है उसके बीच में आपको 5 लाना है. तो हम पॉजिटिव साइड में नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में. यहाँ देखिए मैंने 0 डाल दिया, 0 के बाद क्या आएगा, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, 6/6. तो आपका ये जो 5 संख्या है ये हो गया आपका क्या, 5 रैशनल नंबर. तो जब आप आंसर लिखोगे आप लिखना द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन
वन एंड जीरो आर, आप ए पांचों को लिख दीजिए एज ए आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, आप सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, माइनस टू एंड माइनस वन। आप देखिए ये भी माइनस टू एंड माइनस वन क्या है, इंटीजर है। तो बच्चों पहले इस इंटीजर को आप रैशनल नंबर के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे? माइनस टू को कैसे लिखेंगे? माइनस टू बाई वन। माइनस वन को कैसे लिखेंगे? माइनस वन बाई वन। तो हो गया ये रैशनल नंबर। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बीच में पांच रैशनल नंबर आना है। तो आप इजीली देखिए, इसको हमने सेकंड पॉइंट आपको क्या कहा था कि डिनोमिनेटर को सेम करना। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखिए बच्चों, हमने इसको भी सिक्स से इंटू किया, इसको भी सिक्स से इंटू किया। तो इसका डिनोमिनेटर सिक्स आ गया, इसको डिनोमिनेटर भी सिक्स आ गया। तो लाइक वाइज आप देखिए, ऊपर में सिक्स से इंटू करने से सिक्स टू जा माइनस ट्वेल्व, सिक्स वन जा माइनस सिक्स। अभी ये दोनों के बीच में आपको कितना, फाइव रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? देखिए आप देखिए, यहाँ पे जीरो डालिए, यहाँ पे वन डालिए, क्योंकि देखिए दोनों माइनस है। तो हम इसी तरह नंबर लाइन के पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? माइनस सिक्स बाई सिक्स। देन क्या होगा? माइनस सेवन बाई सिक्स, माइनस एट बाई सिक्स, माइनस नाइन बाई सिक्स, माइनस टेन बाई सिक्स, माइनस इलेवन बाई सिक्स, माइनस ट्वेल्व बाई सिक्स। तो आपको पांच लीजिए, वन और इन दोनों का बीच में फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये जो पांच रैशनल नंबर है, ये आगे आपका क्या, माइनस टू एंड माइनस वन का बीच में फाइव रैशनल नंबर। इसमें भी आप अगर आंसर लिखना चाहते हो तो सेम इसी तरह आप ऐसे लिख दोगे, द फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस टू एंड माइनस वन आर, इन सरल संख्या को आप लिख देना। तो ये दोनों बच्चों बहुत ईजी है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को यहाँ सेम कर लिया। तो जो अभी आप नेक्स्ट दो प्रॉब्लम जो आएगा उसमें आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा कि अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो उसको हम सेम कैसे करेंगे। आप देखिए नेक्स्ट वाला माइनस फोर बाई फाइव है एंड माइनस टू बाई थ्री। देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना है? फाइव। इसका कितना है? थ्री। तो फाइव एंड थ्री का हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। ये देखिए एलसीएम ऑफ फाइव एंड थ्री कितना होगा बच्चों? फाइव थ्री जा फिफ्टीन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर आता है इसको फिफ्टीन करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ ऑलरेडी फाइव है तो इसको कितना से इंटू करेंगे? थ्री से। सेम उसी तरह आप ऊपर में भी कितना से इंटू करोगे? थ्री से। तो ये हो गया माइनस ट्वेल्व। यहाँ पर थ्री है, इसको आपको क्या कितना करना है, क्योंकि जो एलसीएम आया वो फिफ्टीन आया है, तो 15 आने की यहाँ पर कितना से इंटू करोगे आप? 5 से। लाइकवाइज आप ऊपर में भी उसी तरह क्या करोगे? 5 से इंटू करोगे। तो ये कितना आ गया बच्चों? 5 प्लस माइनस 10। अब देखो बच्चों, आपको हमने कहा कि पांच रैशनल नंबर होना है, तो क्या आप यहाँ पांच रैशनल नंबर पाओगे? माइनस 10 बाई 15 और कितना है आपका? माइनस 12 बाई 15। तो इसका बीच में कितना आता है बच्चों? एक ही आ रहा है ना? तो ये हमारा फेलर, इससे हम पांच रैशनल नंबर नहीं पा सकते। तो हम इसके बाद क्या करना बच्चों? नेक्स्ट आपको जो डिनोमिनेटर है उसको और थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना होगा। कैसे इंक्रीज करना होगा? देखिए यहाँ पे आपको माइनस 12 बाई 15 है और यहाँ है माइनस 10 बाई 15। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 45। यहाँ ऊपर में भी हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 3 से। तो यहाँ भी आ गया देखिए 45 45, डिनोमिनेटर आ चुका है। नेक्स्ट ऊपर में देखिए माइनस, यहाँ 30, यहाँ माइनस 36। अब देखिए अगर आप नंबर लाइन बनाओगे तो यहाँ पे आप कितना डालोगे? माइनस 30 बाई 45 और यहाँ आपका माइनस 36 बाई 45। इन बिटवीन दिस आपको पांच रैशनल नंबर मिल गया कि नहीं? एक दो तीन चार पांच लिखे। माइनस 30 बाई 45, नेक्स्ट क्या आएगा? माइनस 31 बाई 45, माइनस 32 बाई 45, माइनस 33 बाई 45, माइनस 34 बाई 45 एंड माइनस 35 बाई 45। तो आप इसको अगर आंसर सही तरीके से लिखना चाहते हो तो फर्स्ट हमने जो नंबर
आपको सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसमें उसी तरह आप लिखिए द फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3 आर, ये जो पांच का रैशनल नंबर मिल गया है इसको आप लिख दीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम करेंगे नंबर फोर। नंबर फोर में आपके क्या है, नंबर फोर में है -1/2 एंड 2/3। देखिए -1/2, 2/3, तो हमने बच्चों क्या कहा था आपको, फर्स्ट आपको एलसीएम करके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो यहाँ पे एलसीएम किसका किसका करोगे आप, 2 और 3 का। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 6 होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 6 एलसीएम, 6 डिनोमिनेटर आ गया। तो यहाँ पे 6 करने के लिए 2 × 3, ऊपर में भी हम क्या करेंगे 3 से इंटू करेंगे -3। यहाँ पर भी हमें एलसीएम कितना लाना है, 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए यहाँ ऑलरेडी 3 है, और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। उसी तरह आप ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ आ गया 2×2=4/6। अब देखिए इसको आप कैसे करोगे, ये देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी इसको यहाँ से लिखिए 4/6 और नेक्स्ट 3/6, देन 2/6, 1/6, यहाँ पर 0, यहाँ आएगा आपका -1/6, -2/6, -3/6। आगे बच्चों अभी इसमें से आप कोई भी तरफ से, या तो आप राइट साइड से या तो आप लेफ्ट साइड से, कोई भी तरफ से आप 5 रैशनल नंबर ले लीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे। अगर आप लेना ये साइड से लेना चाहते हो तो 3/6, 2/6, 1/6, 0 एंड -1/6, ये 5 का ले सकते हो। इन बिटवीन दिस आपको कितना संख्या देखिए मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट आपको चाहिए कितना, 5। तो आप कोई भी तरफ से, या तो आप राइट साइड से 5 लीजिए या तो आप लेफ्ट साइड से 5 लीजिए, कोई भी तरफ से आप 5 लेके यहाँ पे आप अपना आंसर लिख दीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों ये जो नंबर 1 है, पहले आप इस पैटर्न को देखिए, पैटर्न को देखने के बाद आपके बाकी जो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है 4, इसमें आपको कौन सा संख्या आएगा वो आपको करना है। तो पहले देखिए आप कितना लिया, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। तो आप इसको अगर यहाँ लिखोगे तो नेक्स्ट जो नंबर है आप कैसे आया है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सोचिए कि -3 और -6 कैसे आया होगा, इसके साथ हम लोग कितना इंटू किया होगा, 2, तो क्या आ गया -6। अब देखिए 10 कैसे आया होगा, इसको भी हम लोग 2 से इंटू करने से यहाँ पर क्या आ गया, 10। लाइकवाइज आप देखिए इसको आप अगर इंक्रीज करते जाओगे, -3 × 3, नीचे को भी 5 है, 5 × 3 कितना आ गया, -9/15। देखिए नेक्स्ट नंबर आ गया, तो इसके मतलब है बच्चों कि 3 के ऊपर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप फर्स्ट वाला 2 से इंटू करने से आया, सेकेंड वाला 3 से इंटू करने से आया, फोर्थ वाला आपका 4 से इंटू करने से आया। तो जो फिफ्थ वाला जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है वो कैसे आएगा बच्चों, यहाँ 3 और इंटू आप कितना करोगे, 5, नीचे पर भी 5 इंटू कितना आएगा, 5, तो कितना आ गया बच्चों, 5 × 5 = 25। नेक्स्ट जो आएगा वो भी आप क्या करोगे, 6 से इंटू करोगे, ऊपर नीचे कितना से इंटू करोगे, 6 से। तो ये आ गया ये -18/30। नेक्स्ट बच्चों कितना से इंटू करोगे, 7 से, 5 × 7। नेक्स्ट 8 से, 4 जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपको आ गया, -15/25, -18/30, -21/35, -24/40। तो ये हो गया आपका पैटर्न ऑफ, पहले फर्स्ट पैटर्न फॉलो करिए कि पैटर्न में किस तरह दिया हुआ है, उसके बाद आप यहाँ पर हम जैसे मल्टीप्लाई करके आ गया,
जाएगी, पर ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइड भी करना पड़े। इसलिए बच्चों ध्यान से पहले पैटर्न को फॉलो करिए, उसके बाद आप आइडिया करिए कि नेक्स्ट जो पैटर्न है वो कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करो या इंटू करो या डिवाइड करो या एडिशन करो, तो आप उस ध्यान से करिए। सेकेंड वाला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका नंबर 2, -1/4, -2/8, -3/12 एंड इसके बाद आपको 4 फिर इन ब्रैकेट्स में करना है। तो आप देखिए इसको जो फर्स्ट वाला है माइनस जो है ये ऊपर है, तो -1/4 और सेकेंड वाला टर्म आपका क्या आ गया -2/8, यानी इसके साथ कितना इंटू हो गया 2, यहाँ पर भी 2, तो कितना आ गया -2/8। ओके इसके बाद देखिए थर्ड वाला जो है वो कैसे आया, -1/3, 4/3, -3/12। इसके बाद बच्चों 4 जो है ऐसे ही आप करते जाओगे, -1/4, 4/4, -4/16, देन इसके बाद आएगा आपका -1/5, 4/5, -5/20, देन आएगा आपका -1/6, 4/6, -6/24। हो गया ना बच्चों 1, 2, 3 और एक है -1/4, 7, 4/7, -7/20। तो आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में इन 4 संख्या को लिख दो। सो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर जो 2 था 1 और 2 का पैटर्न आपने देखा कैसे हमने सॉल्व किया, उसी तरह आप देखिए 3 और 4, 3 में आप पैटर्न फॉलो करिए क्या है, -1/6 फर्स्ट टर्म, देन सेकंड टर्म 2/-2, थर्ड टर्म 3/, तो अब इस पैटर्न को फॉलो करके आप नेक्स्ट 4 और भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है। तो बच्चों पहले आप फॉलो करिए कि फर्स्ट पैटर्न से सेकेंड पैटर्न में किस तरह आएगी। देखिए -1/6 है एंड यहाँ पर है 2/12, तो इसके मतलब यहाँ पर हमने -2 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -2 से इंटू किया है, तो -2 -1 क्या आ जाएगा बच्चों +2 एंड 6 2 -2। देखिए सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में भी देखिए क्या हुआ, -3 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटू किया हमने, क्या आ गया 3/-2। फोर्थ टर्म भी देखिए -4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने इंटू किया, तो आ गया आपका 4/-24। अब नेक्स्ट आपको जो 4 फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है, तो बच्चे अभी आपको समझ में आ चुका है कि 4 के बाद हम अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5/-5, तो आपका फिफ्थ टर्म क्या आ गया 5/-30, देन सिक्स्थ टर्म -6/-6 से आपको इंटू करना है, तो आ गया बच्चों 6/-36, देन आपका नेक्स्ट टर्म -7 से -7/7 से करिए तो आ जाता है आपका 7/-42, और आपका लास्ट जो टर्म है आपका फोर्थ टर्म का लास्ट टर्म है -1/6 × -8/-8, तो ये जो फोर्थ 4 टर्म है इक्विवेलेंट आप यहाँ पर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पे लिख दीजिए। तो इसी तरह पैटर्न फॉलो करिए एंड सोचिए कि कौन सा पैटर्न कौन से नंबर आप दोगे कि सेकेंड वाला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको इजीली आ जाए। इसके बाद देखिए नंबर फोर का पैटर्न देखिए -2/3 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म में देखिए क्या है 2/-3, माइनस देखिए नीचे आ गया डिनोमिनेटर में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टर्म है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को लीजिए -2/3, -2/3 के बाद आपका सेकेंड टर्म 2/-3 आ रहा है, यानी यहाँ आपको क्या करना है -1/-1 से क्या करना है आपको इंटू करना है, तो -1, -2 और -1 इंटू करने से -2, +2, 3, -1, -3, तो आपका ये जो टर्म है ये देखिए -1, सेकेंड वाला टर्म -2/-2 से इंटू किया, थर्ड वाला टर्म -3 से -3/2 से हमने इंटू करके ये तीनों टर्म हमें मिल चुका है। अब हम कौन सा करेंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स जो टर्म्स इसने इक्विवेलेंट इक्वेशन देना है आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे -3 किया था इसके मतलब ऑब्वियसली हम यहाँ क्या करेंगे -4/-4 से इंटू किया, तो आपको क्या आ गया बच्चों 8/-12, देन नेक्स्ट
माइनस टू बाई थ्री को किससे इंटू करना है, माइनस फाइव बाई माइनस फाइव, तो आ गया बच्चों टेन बाई माइनस ट्वेल्व। देन आपका नेक्स्ट टर्म माइनस टू बाई थ्री इंटू माइनस सिक्स बाई माइनस सिक्स टू ट्वेल्व बाई माइनस एटीन। देन लास्ट टर्म माइनस टू बाई थ्री इंटू माइनस सेवन बाई माइनस सेवन, तो आगे बच्चों 14 by minus 21। तो आप जब आंसर लिखोगे तो आप ये जो चार टर्म आपको मिला है, जो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको मिला है, वो आप क्या करोगे फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दोगे। तो ये जो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है बच्चों, ये क्या करना है आपको, कौन सी बातें ध्यान देना है कि जो टर्म दिया हुआ है वो टर्म किस तरह कौन सा सिक्वेंस में आ रहा है, वो सिक्वेंस को पकड़िए, वो सीक्वेंस को पकड़ के आप जो आपको फाइंड आउट करना है उस सीक्वेंस में आप इजीली जा सकते हो। उसी तरह आप ध्यान भी रखना है कि माइनस न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है, वो हिसाब से भी आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों ये हो गया आपका नेक्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं आप। सर बच्चों आप देखिए, यहाँ आज हमने आपको रैशनल नंबर और उसके रिलेटेड जो बातें हैं नंबर्स के बारे में आपको कितनी नॉलेज है वो हमने थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज भी बता चुके हैं, और इसके बाद रैशनल नंबर से रिलेटेड जैसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर कहाँ पर यूज़ होता है, ये हमने आपको बता दिए। और आपके एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर दिया है, और आप इसी तरह के क्वेश्चन और भी आपके पास सप्लीमेंट्री बुक होगा तो आप इसको सॉल्व करिए, और कोई डाउट होगा फिर देखिए कहाँ पर डाउट आ रहा है तो आप अपने टीचर से जाके भी पूछ सकते हैं कि ये जो जहाँ पर आपको डाउट हो रहा है वहाँ आप पॉइंट करके रखिए और पूछिए। और हम आशा करते हैं कि आपको मैंने अच्छा से समझा पाए हैं, और आप जब क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम एग्जाम में आप करोगे तो ईजिली आप सॉल्व करोगे।